But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के दो कमाल के अपडेट के बारे में। आप सभी फैंस खुश हो जाएंगे इस न्यूज को सुनकर। आप सभी जानते हैं कि एवेंजर 4 में काफी कुछ चेंजेस होने वाला है, और देन एक चेंजेस हुआ था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। तो केविन फाइगी ने इसकी रिलीजिंग डेट से कुछ अपडेट दिए। ये मूवी पहले रिलीज हो रही थी मई के महीने में, बट इसे चेंज करके अप्रैल के महीने में कर दिया गया, जैसा कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई। उसके बाद आईमैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है कि वो पहले इस मूवी को मई के महीने में रिलीज कर रहे थे, बट उन्होंने थोड़ा मार्वल से रिक्वेस्ट करा और बताया कि इस मूवी को पूरा आईमैक्स में बनाया जाए या इसका आधे से ज्यादा पार्ट आईमैक्स में शूट हो, क्योंकि ये मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर जब रिलीज हुई थी आईमैक्स में कुछ पार्ट में, तो इस मूवी ने काफी ज्यादा बिजनेस करा और आईमैक्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से। अब उनका फैसला ये है कि एवेंजर 4 को वो आईमैक्स में फुली बनाए, फुली अच्छी तरीके से तैयार करें और देन रिलीज करें, और वो भी इसको अप्रैल के महीने में रिलीज करेंगे एक ही साथ। देन कभी कभी होता है कि मूवी रिलीज हो जाती है पर आईमैक्स में वो बाद में रिलीज हो रही है, बट वो उनका फैसला ये है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो उन्हें प्रॉफिट हुआ, तो वो उन्हें लग रहा है, उम्मीद है कि एवेंजर 4 में भी हमें ऐसा खुद होगा। यार, ये सभी जानते हैं कि एवेंजर 4 से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो फाइनली अब ये मूवी अप्रैल को रिलीज हो रही है आईमैक्स में। तैयार रहिए इस मूवी को देखने के लिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।